लाख पराठा। चलो भाई एक दूसरे को घोषणाएं देते हुए ना, लाख पराठा। ऊट मराठा जागा हो रे, आरक्षणाचा धागा हो रे। ऊट मराठा जागा हो रे, आरक्षणाचा धागा हो रे। कितने लोगों में उत्साह भरा हुआ है। चलो यार, चलो चलो, ठीक है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द माय न्यू व्लॉग। और गाइस, सुबह के 8 बज चुके हैं और अभी जस्ट हम नहा धो के रेडी हो चुके हैं। और अभी आज है ना, हमें जाना है अंतरवली सराठी के लिए, जो कि मनोज जरांगे पाटिल की जो सभा होने वाली है, विराट सभा, उसी की तैयारी कर रहे थे। और अपनी बाइक रेडी है पूरे, और ये पताका लगा दिया है भगवा। और माधव भाई ने काफ़ी मेहनत की, उसको लकड़ी वकड़ी लेकर आए। लकड़ी लाने के बाद उसको पताका बैठा दिया है। गाड़ी रेडी है यहाँ से अभी निकलने के लिए। सो गाइज, अभी फाइनली हम रेडी हो चुके हैं और यहाँ पे हमारी बैग रेडी हो गई। ये एक बैग माधव ने ले ली है, जो कि कपड़े है, यहाँ पे ट्राईपॉड है और यहाँ पे हेलमेट है। और इस बैग में अपना ड्रोन आने वाला है। और दोनों भी अभी रेडी हो चुके हैं, अभी मोबाइल सब कुछ चार्जिंग कर लिया है। और अभी जस्ट अभी निकलना ही है अंतरवली सराठी के लिए, क्योंकि अंतरवली सराठी में यार बहुत बड़ी सभा होने वाली है, जो कि मनोज जरांगे पाटिल की। और उसी सभा में हम शामिल होने के लिए जा रहे हैं। अभी ड्रोन ले लिया है, ट्राईपॉड ले लिया है, हेलमेट भी ले लिया है, एक बैग रेडी कर दिया माधव भाई ने। और अभी जस्ट निकल लेंगे, अपनी बाइक तो रेडी है, सुबह से रेडी कर दी है। सो फटाफट से चलते हैं यहाँ से। गाइस, अभी अपनी बाइक रेडी है और माधव भैया भी रेडी है। सो अभी फटाफट से निकल लेते हैं, बैग भी ले ली है अपने ड्रोन की। सो अभी हॉस्टल को कर लेते हैं विदा। सो गाइस, फाइनली हॉस्टल से हम निकल चुके हैं अंतरवली सराठी के लिए। और आज की जो राइडिंग होने वाली है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अभी हेलमेट वेलमेट सब कुछ लेकर अभी निकल चुके हैं, अपना जो भी सामान था वो निकल चुके हैं। और आज मेरे साथ माधव है। और अंतरवली सराठी यहाँ से 240 किलोमीटर है। तो दोस्तों, अभी फाइनली बाहर तो निकल चुके हैं, अभी बाइक का अपना फ्यूल अप करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूल पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ पे एक बार फ्यूल अप करेंगे, उसके बाद नो टेंशन रहेगी। तो फाइनली अभी पेट्रोल पंप पे आ चुके हैं, तो अभी फ्यूल अप तो करना पड़ेगा। एक बार फ्यूल अप करने के बाद है ना, बाद में देखने का काम ही नहीं रहेगा। ये पकड़ थोड़ी, जाएंगे फुल कर दो टैंक, जहाँ जहाँ गाड़ी निकली वहाँ। हाँ, कैश ऑनलाइन है? नहीं नहीं, कर दो और 50 रुपये का हो जाता है। हो जाएगा 1400 का कर दो अराउंड फिगर। सो गाइज, फाइनली हमने यहाँ पे फ्यूल अप करवा दिया है। हाँ ठीक है, देख ला एक बार, चेक कर लेना क्या हो गया, हुआ या नहीं। हो गया है, मेरे यहाँ से हो गया है, ठीक है। सो गाइज, अभी फ्यूल ऑफ करवा दिया है, लगभग 1400 रुपये का अराउंड फिगर मैंने फ्यूल करवा दिया। 1400 रुपये में अपनी टैंक की, बाइक की टैंक जो है ना, फुल हो गई है। आज की राइड दोपहर 12 बजे से ही हमने चालू कर दी है, और लगभग सुबह से हम तैयारी में ही जुटे थे। और तैयारी जैसे ही हो गई, बैग वैग सब कुछ, मोबाइल चार्जिंग करके, बैग चार्जिंग करके, और ड्रोन वगैरह सब कुछ चार्जिंग करके है ना, फुल सेटअप करके अब निकल चुके हैं अंतरवली के लिए। वहाँ पे जो होने वाली है सभा, विराट होने वाली है, और उसी सभा के लिए हम आज निकल चुके हैं ना। कल ही जाने का था, बट कल ना काफ़ी भीड़ हो सकती है, इसलिए हम आज ही निकल चुके हैं। क्योंकि कल रास्ते में इतनी ट्रैफिक होने वाली है भाई, मैं आपको बता भी नहीं सकता। पूरे महाराष्ट्र से वहाँ से लोग आने वाले हैं वहाँ पे, तो इसलिए आज ही हमने सोच लिया कि यार चलो आज ही निकल जाएंगे। क्योंकि कल अगर निकल जाएंगे सुबह सुबह, तो कल बहुत परेशानी होने वाली है, क्योंकि कल इतनी भीड़ आने वाली है ना, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, आप खुद ही देख लेना कि कितनी भीड़ आ सकती है। गाइज, अब हम नांदेड़ सिटी के काफ़ी बाहर निकल चुके हैं, और अब छोटे छोटे गाँव से होते हुए ना, नेशनल हाईवे 161 के लिए हम कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि सीधा जाएगा पूर्णा और सिंगनापुर, और सिंगनापुर से होते हुए पाथरडी के लिए जाएगा, पाथरी के लिए जाएंगे, और पाथरी से आष्टी, आष्टी से होते हुए अंबड़, और अंबड़ से होते हुए अंतरवली। ऐसा हमारा रूट मैप आज बन चुका है। और माधव भाई देख लो भाई, कैसे मस्त फेटा बांध के है ना, दस्ती वस्ती बांध के, गमछा बांध के बैठ चुके हैं पीछे। हाँ, निकल गए कब से, बट अभी है ना, रास्तों से, छोटे छोटे रास्तों से है ना जाते हैं। सीढ़ी लगभग आएगा वहाँ से 300-350 आएगा, ठीक है, देखेंगे यार। देखने का कौन सा
देखेंगे देखेंगे और कोई है क्या। ठीक है, देखेंगे आसपास कोई ठिकान होगा और कोई एक्सप्लोर करने का तो देख लेंगे गाइस वो भी। बट है ना, अब तो निकल गए भाई। और आपको फ्लैग भी देख रहा होगा, ये भगवा फ्लैग हमने बनाया है, रात में बनाया था और आज हमने कम से कम 1 घंटा उसी फ्लैग में लगा दिया। 1 घंटा फ्लैग बांधने में, वो डंडा वंडा लाने के लिए सब कुछ लग गया। सो गाइस फाइनली हम लग चुके हैं अभी 161 नेशनल हाईवे पे, जो कि सिंगनापुर परवनी के लिए जाता जाने वाला रास्ता है ना, उसी रास्ते से सिंगनापुर तक यही रास्ता हमें साथ देने वाला है। लगभग यहाँ से मेरे ख्याल से 80 किलोमीटर के आसपास हमें ये रास्ता साथ देने वाला है। और आज काफ़ी मौसम ने भी हमें साथ दिया है और लगभग टाइम हो रहा है अभी 12:30 बज चुके हैं, 12:55 हो रहे हैं, 12:55 के आसपास टाइम हो रहा है। गाइज फाइनली हमने 65 किलोमीटर्स कंप्लीट कर लिया है और 65 कंप्लीट कर दिया है किलोमीटर्स हमने, और वो भी एक या डेढ़ घंटे के आसपास हमने कंप्लीट कर दिया है क्योंकि रास्ता भी काफ़ी अच्छा है ना। बट हम एक स्पीड मेंटेन करके जा रहे हैं और अभी हमारी स्पीड जो है लगभग 60-65 के आसपास चल रही है। और हमें रास्ते में काफ़ी सारे लोग मिल रहे हैं, ये देखो वो भी निकल चुके हैं और काफ़ी सारे ट्रक भी निकल चुके हैं ना, ट्रक टेम्पो जो भी फोर व्हीलर व्हीकल है ना, सब कुछ निकल के जा रहे हैं लोग। और लोग है ना काफ़ी हद तक उत्साहित है और अभी हमें लगभग 10-15 ट्रक तो हमें इजीली मिल चुके हैं, काफ़ी लोग वहां पे निकल चुके हैं आज ही, कल सुबह है। बट कल का आने के लिए है ना जो आसपास के लोग हैं वो कल आ जाएंगे, बट दूर दूर के लोग आज ही निकल चुके हैं। सो गाइज़ अब आ चुके हैं हम सिंगनापुर पाटी पे और ये नेशनल हाईवे हमें यहाँ तक ही साथ देने वाला था। अब नेशनल हाईवे 161 से हमें यहाँ से अब जाना पड़ेगा जो कि पोखरनी के लिए, और यहाँ से पोखरनी के लिए हम जाने वाले हैं। तो यार चलो अब ये हाईवे सीधा कंटिन्यू करेंगे पोखरनी तक, उसके बाद दूसरे हाईवे से जाएंगे। क्या मस्त रास्ता है यार, एकदम बढ़िया रास्ता है, क्योंकि रास्तों का काम है ना लगभग 1-2 साल पहले ही हुआ था और रास्ते का कोई दिक्कत नहीं है। रास्ते की केकर चौरा परवनी, और यार परवनी यहाँ से तो 22 किलोमीटर बाबा उमरी ये जाने वाला। ए उमरी आई रे तेरी, हाँ देख ले क्यों भाई, ये भी रास्ता जो है ना परवनी से आता है, ये हाईवे परवनी से आता है, इस हाईवे से आने वाले थे माधव भैया। हाँ तो यार अभी है ना रास्ते एकदम क्लीन है और बढ़िया रास्ते हैं। अब राइडिंग कंटिन्यू करने वाले हैं और लगभग अपनी बाइक की जो स्पीड रखी है हमने मेंटेन करके रखी है, आज 60-70 के आसपास चल रही है, उसके ऊपर नहीं लेके जा रहे हैं हम बाइक को। देख लो गाइस क्या रास्ते हैं, क्या मौसम है, और सोयाबीन यहाँ पे सूखने के लिए रख दिया है लोगों ने। क्या लोगों का आइडिया है ना, काफ़ी गजब की होती है, रोड में लगे सोयाबीन को सुखा रहे हैं यार मानना पड़ेगा इनको। और भाई क्या मौसम है और क्या रास्ते है, आज मज़ा आने वाला है अंतरवली के लिए जाने के लिए। लगभग तिरुपति राइड के बाद है ना ये राइड होने वाली है, लंबी राइड हो रही है आज की। और तिरुपति जो राइड की थी मैंने लगभग, वो तो राइड काफ़ी लंबी थी, मेरी ज़िंदगी फर्स्ट राइड थी, बट उसके बाद है ना ये राइड हो रही है 240 किलोमीटर की। बहुत लंबी राइड नहीं होने वाली, बट 240 किलोमीटर भी मेरे लिए बहुत है। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं अभी पाथरी में, और पाथरी से अभी अस्टी के लिए निकलने वाला है, और हमें पाथरी में आने के लिए लगभग 2 बज चुके हैं। अब यहाँ से कितना टाइम लगेगा हमें नहीं पता, बट एक बार खाना खाना पड़ेगा क्योंकि माधव भैया को भूख लग चुकी है काफ़ी, और अभी हमारे साथ है ना काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ साथ आगे आ रहे हैं, कोई टेम्पो में आ रहा है कोई ट्रक में आ रहा है। और अभी पाथरी में आप देख सकते हो आगे हमारा जो टेम्पो है ना, वो टेम्पो भी साथ ही आने वाला है अंतरवली के लिए। सो अभी पाथरी से निकल चुके ना, तो पाथरी से लगभग 108 किलोमीटर दूर है, लगभग 108 किलोमीटर के आसपास हमें जाना पड़ेगा।
गाइस अभी यहाँ पे नाश्ता करने के लिए आ चुके हैं। नाश्ते में ले लिए पूरी भाजी, और यहाँ पे पूरी भाजी और माधव भैया और मैं नाश्ता करने के लिए आ चुके हैं। यहाँ पे फटाफट से पूरी भाजी खाएंगे, उसके बाद निकल लेंगे, काफ़ी लेट हो गए ना, तो पूरी भाजी काफ़ी अच्छी है। अभी पाथरी में हमने नाश्ता वास्ता सब कुछ कर लिया है और अभी हम निकल चुके हैं, क्योंकि एसटी से होते हुए अंबड़ से होते हुए वहाँ जाएंगे। माधव भैया भी है और अपनी बाइक यहाँ पे लगा दी थी, और बाइक को झंडा है ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है। माधव भाई ने पूरे को पूरे बैग एक साथ ही ले लिए है उन्होंने। और भाई अभी जस्ट निकल लेंगे यहाँ से, नाश्ता वास्ता हो गया है। क्यों माधव भाई? सो गाइस होटल में खाना खाने के बाद है ना, अब निकल चुके पाथरी से। पाथरी से लगभग 107 किलोमीटर के आसपास है, और अभी हमें टाइम लगने वाला है 2 घंटे के आसपास, ऐसे टाइम लगेगा भाई। काफ़ी लेट हो गए, आराम से आने के चक्कर में है ना, बहुत लेट हो गए। और अब यहाँ से है ना नहीं रुकेंगे कहीं पे, सीधा डायरेक्टली जाएंगे वहीं पे। तो अब पाथरी से निकल चुके हैं। पाथरी काफ़ी अच्छी सिटी है, और यहाँ पे खाना वाना सब कुछ अच्छा मिल गया। जो कि पूरी भाजी मिली थी, वो पूरी भाजी खा के निकल गए। गाइस अब पाथरी से है ना, अब आष्टी के रास्ते पे लग चुके हैं। नेशनल हाईवे 61 है ये, और नेशनल हाईवे 61 पे निकल चुके हैं। और ये देखो भाई, जगह जगह पे ऐसे दादा के बैनर लग चुके हैं, मनोज दादा के। पर यार आज मुझे काफ़ी प्राउड फील हो रहा है कि आज मैं मराठों के घराने में पैदा हुआ हूँ, और मैं जाति से मराठा हूँ और हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ ना, काफ़ी प्राउड की बात है यार। और आज हमारे समाज के लिए कुछ ना कुछ करने का मौका मिला है हमें, और हम अपने समाज के लिए एकजुट होकर इस लड़ाई में आगे बढ़ रहे हैं। और दादा ने ये लड़ाई हाथ में ली है, मनोज दादा ने, काफ़ी प्राउड की बात है। और अभी हम कुछ ही देर में वहाँ पे अंतरवली में पहुँच जाएंगे। अभी अपनी बाइक लगातार मैं राइडिंग करते हुए लेके जा रहा हूँ। आज माधव भी मेरे साथ है, काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और लगातार हमारे साथ काफ़ी बाइक और काफ़ी फोर व्हीलर और काफ़ी सारे जो व्हीकल है वो साथ में है। ये देखो व्हीकल जाकर आ चुकी है, और आगे भी व्हीकल हमें मिलने वाली है। गाइस अभी आष्टी यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर के आसपास है, और आष्टी में हमें पहुँचने के लिए है ना लगभग 25 मिनट के आसपास टाइम लगेगा। और काफ़ी सारे लोग हैं ना आज आ रहे हैं, और भीड़ यहाँ से अभी बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि जब पाथरी से हम बाहर निकले तो काफ़ी भीड़ हमें नज़र आई, क्योंकि काफ़ी लोग आज ही वहाँ पर अंतरवली के लिए आ रहे हैं ना, तो इसलिए काफ़ी ट्रैफिक का सामना भी करना पड़ सकता है कल। लगभग 150 एकड़ के आसपास वहाँ पे पार्किंग एरिया होगा, और 150 एकड़ में सभा होने वाली है भाई, ऐतिहासिक सभा होने वाली है। ये देखो दादा के बैनर हर जगह पे लग चुके हैं भाई, जहाँ से देख रहा हूँ ना पाथरी से, जब से बाहर निकला हूँ हर जगह पे दादा के बैनर है, मनोज दादा के। एक भी जगह ऐसी नहीं है कि दादा के बैनर नहीं लगे हैं, दादा के बैनर हर जगह पे लग चुके हैं। बहुत बड़ी तरह से वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे है ना इतनी भीड़ आने वाली है, भीड़ को रोकना नामुमकिन है। तो बोल रहा हूँ ना, काफ़ी भीड़ हो सकती है और काफ़ी पब्लिक आने वाली है वहाँ पे, पूरा महाराष्ट्र वहाँ पे आने वाला है। महाराष्ट्र में कोई भी कल घर पे नहीं रहने वाला, पूरे वहीं पे अंतरवली में रहने वाले हैं। देखने का नज़ारा जो है आपको कल मिलेगा, कल के ब्लॉग में, क्योंकि कल का ब्लॉग जो होने वाला है स्पेशल, जो वहाँ के विराट सभा है उसका होने वाला है, और वहाँ पे पूरे ड्रोन शॉट आने वाला है उस ब्लॉग में। मेरा तो कोई रोल ही नहीं होने वाला वहाँ पे, रोल नहीं होने वाला, वो सब कुछ ड्रोन शूट वो आने वाले हैं उस ब्लॉग में। गाइस अब लगभग टाइम हो रहा है 3:20 हो चुके हैं, और अभी जस्ट हम आष्टी के बाहर निकल चुके हैं, और आष्टी से अंबड़ जो है लगभग अभी 60 किलोमीटर के आसपास है अंबड़, और वहाँ से बस नज़दीक ही है जो कि अंतरवली सराडी। अभी जस्ट आष्टी के बाहर निकल चुके हैं, और ये लग चुका है अब नेशनल हाईवे 61 ही है यार, 61 ही है, घनश्याम की अंबड़ कुमार पिंपल गांव यही है रास्ता जो है, यही है, और इसी रास्ते से अब जाएंगे सीधा अंतरवली सराडी में।
तो सुबह सुबह थोड़ी कम स्पीड रखी थी, बट अब ज़्यादा स्पीड रखी है हमने और यहाँ पे हो गया भाई एक्सीडेंट तगड़ा। देख लो, आराम से बाइक चलाया करो और कोई भी राइडिंग हो या ड्राइविंग हो, आप आराम से करो, ज़िंदगी एक ही बार है। एक्सीडेंट हो गया है कितना बड़ा। लोग इतने एक्साइटेड है जाने के लिए और लोग है ना, हर लोग हमें हाथ दिखा रहे हैं, हाथ से हाय हाय बाय बाय कर रहे हैं, बट यार मैं कहता चाहता हूँ हर जगह से है ना, आगे भी आप देख सकते हो एक फोर व्हीलर व्हीकल है जो कि भर भर के लोग आ रहे हैं ना, तो काफ़ी लोग है ना आज एक्साइटेड है जो कि अंतरवली सराटे में जाने के लिए। तो यार देख लो कितने लोगों में उत्साह भरा हुआ है। चलो यार, चलो चलो ठीक है, ऐसे ऐसे लोग उत्साहित है। आज देखना पड़ रहा है कि यार मुझे ना काफ़ी अलग फील हो रहा है यार कि आज हम निकल चुके हैं तो लोग भी हमारे साथ निकल चुके हैं ना। ये देख लो, ये यहाँ पे लोग हैं और वो देखो खेत में जाकर बैठे हुए हैं, हाथ दिखा रहे हैं। यार क्या बात है यार, ऐसी फीलिंग कभी कभार ही मिलती है देखने को। क्यों माधव भाई, कैसे कैसे लग रहा है? लोग नहीं, लोग कम से कम एक डेढ़ घंटे से हाथ दिखा रहे हैं, जब भी व्हीकल निकलेगी ना वो हाथ दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यार लोगों का उत्साह इतना है उनमें और वहाँ जाने का जुनून जो है, एक्साइटेड है लोग काफी, और काफी लोग आज से ही निकल चुके। ओहो, एक मराठा लाख मराठा, एक मराठा लाख मराठा, ऊट ऊट मराठा जागा हो रे, आरक्षणाचा धागा हो रे, ऊट मराठा जागा हो रे, आरक्षणाचा धागा हो रे। क्या व्यू है भाई, ये देखो गाइस, मैंने जैसे कहा था, ये देखो दादा के बैनर जगह जगह पे लगे हुए हैं ना, एक भी ऐसा गांव नहीं है, एक भी ऐसा चौराहा नहीं है कि जहाँ पे दादा के बैनर नहीं लगे। मनोज दादा के बैनर हर जगह पे लग चुके हैं। मुझे तो बहुत ही प्राउड फील हो रहा है, मनोज दादा ने इतनी लड़ाई लड़ी है 14 दिन तक यार, भूख हड़ताल पे गए थे और एक निवाला तक नहीं लिया उन्होंने, जो कि समाज के लिए ये सब कुछ काम किया दादा ने, और पूरा का पूरा मंत्रिमंडल है ना दादा ने घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया था। इतनी दादा में पावर है, मनोज दादा में, और हम उन्हें समर्थन देने के लिए आज उनकी सभा के लिए निकल गए ना, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हर जगह पे हर गांव से कम 200 से लेकर 400-600 लोग तो आराम से आने वाले, हर गांव से लगभग एक गांव से कम 10 या 15 गाड़ियाँ आराम से निकल रही है, फोर व्हीलर और टू व्हीलर की गिनती तो नहीं है कि कितने लोग आएंगे, ये तो आप ही रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है यहाँ पे, कोई भी रिकॉर्ड नहीं होने वाला कि कितने लोग आ सकते हैं कि या नहीं, ये मैं भी आपको नहीं बता सकता एग्जैक्टली कितने लोग आ सकते हैं, बट मैं अभी भी बता देता हूँ 50 लाख के ऊपर ही लोग आ सकते हैं। दादा के प्रोग्राम जो होने वाला है, मनोज दादा का, वाकई बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोग्राम होने वाला है। जगह जगह पर लोगों ने ऐसे गाड़ियाँ पार्क करके खाना खा रहे लोग अभी, और खेतों में बैठ कर आए ना, घर से रोटियाँ बांध कर लेकर आए हुए हैं, रोटी घर से ही लेकर आए हैं और खेतों में बैठ कर है ना रोटी खा रहे लोग। जगह जगह पे मैंने कम से कम ऐसे 10-15 गाड़ी देखी है अभी तक 20 किलोमीटर के अंदर, कि जो लोग है ना, जैसे जैसे मैं नज़दीक जा रहा हूँ लोगों की भीड़ ज़्यादा होती जा रही है। और लोग देख लो गाइस, अब हम आए चिंचोली में, और चिंचोली में भी है ना जगह जगह पे ऐसे आपके चाय पानी के लिए स्टॉल लगाए हुए हैं लोगों ने, और यहाँ पे अभी चाय पानी के लिए स्टॉल लगा दिए है, और लोग है ना जगह जगह पे हमें हाथ दिखा रहे हैं, आराम से जाओ ऐसे बोल रहे हैं यार, लोगों को भी केयर है, लोगों को है ना एक दूसरे की परवाह करने वाले लोग हैं हमारे महाराष्ट्र में, और जगह जगह पे आपको चाय पानी के स्टॉल ऐसे दिखाई देंगे। हाँ ठीक है देखेंगे, अच्छा अच्छा दिखने के बाद मैं स्लो जाने दूंगा कि यार लोगों की, हाँ ऐसे बोलेंगे अभी। हाँ तो गाइस क्या हो रहा है ना, वो लोग हाथ दिखाकर बुला रहे हैं ना चाय पानी पीने के लिए, तो उनको बोल देंगे कि यार अभी हमने चाय पी ली है, तो अभी पाथरडी में हमने चाय पी थी ना पाथरी में,
जो कि पाथरडी पाथरी क्या है वो, वहाँ पे हमने चाय पी थी और खाना भी वहीं पे खा लिया था ना, तो इसलिए ज़्यादा तो चाय नहीं पीते हम। तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार चाय पी के जाओ ना, इसलिए हम कहें उनको, अगर किसी ने अब के हाथ दिखा दिया ना हमने, तो हम उनको कह देंगे यार अंकल हमने चाय पी लिया है, तो उनको थोड़ा अलग लगेगा कि यार हमने हाथ दिखा रहे ये नहीं रुक रहे, तो अलग ना लगे इसलिए हम बोलेंगे कि यार हमने चाय पी ली है ऐसे। सो गाइज फाइनली हम पहुंच चुके अभी कुंभार पिंपल गांव में, और यहाँ पे है ना इन्होंने बोर्ड लगा दिया है कि अपनी बाइक हो या अपनी गाड़ियाँ हो धीरे से चलाए, आगे चाय नाश्ते की व्यवस्था कर दी है, तो आगे क्या व्यवस्था है कहाँ पे पता नहीं है, बट हम कुंभार पिंपल गांव में पहुंच चुके, जगह जगह पे ऐसे बैनर लगा दिए हैं कि नाश्ते की और चाय पानी की व्यवस्था कर दी है। ये देख लो स्टॉल पूरे लगा दिए गए हैं और पूरे झंडे वंडे सब कुछ लगा दिए हैं ना, आज तैयारी बहुत जोरों शोरों से है यार। मैं तो कहता हूँ ना लोग है ना काफ़ी एक्साइटेड है वहाँ पे जाने के लिए, और मनोज दादा के समर्थन में है ना लोग काफ़ी एकजुट हो चुके हैं। अब लोगों को पता चला है कि ये पॉलिटिकल वॉलिटिकल कुछ भी नहीं होता, बस अपने जाति धर्म के लिए लड़ो, अपने समाज के लिए लड़ो, यही अपना एक धर्म समझो, और जातीय लड़ाई एकजुट होकर लड़नी चाहिए, ऐसा संदेश जो है ना मनोज दादा ने दिया है। तो यार ये देख लो कुंभार पिंपल गांव का नज़ारा, लोग निकलने के लिए वहाँ पे तैयार है, पूरे लोग निकल रहे वहाँ पे। सो गाइस शाम का नज़ारा देख लो, अभी शाम के बज चुके 4:10 हो रहे, और यार देख लो कितने मस्त व्यू आ रहा है, एकदम बढ़िया, क्योंकि अभी छाँव थोड़ी थोड़ी छाँव आ रही है, अब धूप कम है, ज़्यादा तो धूप नहीं है, कभी छाँव कभी गोड़ी गुदरी, यहाँ से अभी जल्दी आने वाले हैं, और जो अंतरवली है ऐसे आ रही है अभी जस्ट, कुछ बाइकर्स भी आ चुके हैं गाइज, काफ़ी बाइकर्स भी हमें मिल चुके हैं, और काफ़ी लोग भी आ रहे हैं पीछे पीछे, जो कि फोर व्हीलर या जैसे भी आपको जो भी आपको जाने का साधन मिलता है ना वैसे लोग आ रहे हैं। ये देख लो भाई और एक बैनर आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे चाय पानी की नाश्ते की सोए आपको मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी, ये देख लो मनोज दादा का बैनर है, मनोज दादा का हर जगह पे आपको देखने को मिलेंगे। मैं लगभग है ना पाथरी से हम आ रहे हैं, पाथरी से लगातार हमें 2 किलोमीटर के भीतर में एक बैनर दिखाई दे रहा है, और चाय पानी की सो व्यवस्था कर दी है उन्होंने 2 किलोमीटर के भीतर ही। तो यार देख लो 123 गाँवों ने है ना इस विराट सभा का बेड़ा उठा दिया है ना, व्यवस्था कर दी है, ये देख लो यहाँ पर भी टेंडॉल डाल दिया है, यहाँ पर भी चाय पानी की व्यवस्था है, और हर जगह पे है ना चाय पानी की व्यवस्था है। 123 गांव के लोगों ने है ना इस महासभा का बेड़ा हाथ में ले लिया है, और 123 गांव के लोगों ने इस महासभा को जो भी लगने वाला जो खर्चा है उन्होंने उठाया है, वाकई यार बहुत ही काबिले तारीफ इन्होंने काम किया है, और काफ़ी हद तक ये पूरा काम हो चुका है, और आगे भी ये पूरा काम चलता रहेगा। और अभी हम छत्रपति संभाजी नगर, अभी फाइनली हमने एक तीसरा ब्रेक ले लिया है, लगभग हमें 4:30 हमने तीसरा ब्रेक ले लिया है, 4:35 हो रहे हैं, और अभी हम रुके हैं अंबड़, और जो जालना अंबड़ रास्ता है ना उसी रास्ते पे आष्टी अंबड़ रास्ता, जो कि अभी छत्रपति संभाजी नगर जो रास्ता जाने वाला है ना उसी हाईवे से ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये देख लो भाई यहाँ पे हमने बाइक लगा दी है, और माधव भाई अपना यहाँ पे है, और अभी एक तीसरा ब्रेक ले लिया है जो कि 10-15 का होगा, और भाई यहाँ से अभी जाएंगे सीधा अंतरवली के लिए, 4:35 हो रहे हैं, और काफ़ी टाइम लग रहा है क्योंकि हम बाइक को है ना काफ़ी धीरे धीरे लेकर आ रहे हैं, काफ़ी लोग भी मिल रहे हैं रास्ते में, और माधव भाई को तो पता ही है, आप ही पूछ लो इससे कि चाय पानी के लिए कितने लोगों ने रुकाया गाड़ी को हमारे, क्योंकि लगभग हमारी गाड़ी है ना 10-15 जगह पे रोको लोगों ने गाड़ी रोकी और चाय पानी करने के लिए बोले, बट हमने है ना चाय पानी के लिए मना कर दिया, क्योंकि ज़्यादा चाय पानी लेंगे ना तो एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि रात भर वहीं पे जागना है ना, नींद पूरी नहीं होने वाली रात भर, क्यों। फाइनली यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है, और अभी जस्ट हम निकल चुके हैं, और हेलमेट डाल दिया है, माधव भाई भी रेडी है यहाँ पे, और यहाँ पे बाइक भी रेडी है, और ये देख लो भाई जो रास्ते में है ना लोग आ रहे हैं ना, काफ़ी लोग आ रहे हैं सीटी हब बजाते हुए, और चलो ला पराठा।
चलो भाई एक दूसरे को घोषणाएं देते हुए ना, लाख मराठा। ये देख लो भाई लोगों का उत्साह है ना यार, माधव भाई कैसा लग रहा है आज आकर। आज तो मजा ही आने वाला है, कल तो मजा आने वाला है, आज से ही ज्यादा कल मजा। चलो भाई अभी यार निकल लेते हैं यहाँ से, मोबाइल माउंट में सेटअप कर लेंगे, निकल लेंगे यहाँ से। चलो सो गाइस फाइनली वहां से निकल चुके हैं और लोगों का उत्साह देखा होगा आपने, लोग है ना काफी एक्साइटेड है, जो कि आपने देखे होंगे इतने लोग एक्साइटेड है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। देखी होगी आपने फीलिंग लोगों की क्या है क्या नहीं, लोग एक मराठा लाख मराठा की घोषणाएं देते हुए ना जा रहे हैं। और अभी हम अंबड़ के पास है, अंबड़ यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है, 6-7 किलोमीटर है। और अभी देख लो भाई ये देख लो पूरे के पूरे लोग है ना, स्कॉर्पियो जा रही है ना, ये भी वहीं पे जा रही है। पर लोग है ना काफ़ी एक्साइटेड है आज। चलो भाई शाम का नज़ारा हो चुका है ना, शाम का टाइम हो गया पूरा, अब लगभग 4:45 4:45 या 50 मिनट के आसपास टाइम हो रहा है। तेरा फोन आलता। सो गाइस अब हम लग चुके हैं छत्रपति संभाजीनगर, जो रास्ता जाने वाला है ना छत्रपति संभाजीनगर और नगर के लिए जाने वाला रास्ता, उसी रास्ते पे लग चुके हैं। अंबड़ गया है अभी पीछे, अंबड़ सिटी से अब हम निकल चुके हैं, जो कि अंतरवली यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर्स के आसपास है, 15 किलोमीटर्स के आसपास यहाँ से अंतरवली है। और यहाँ पे अभी हम जाएंगे वहाँ पे गाइस, अभी शाहपुर सिटी में आप देख सकते हो यहाँ पे दादा के बैनर है ना, इतने बैनर लग चुके हैं कि पूरे बैरिकेटर पे है ना इन्होंने बैनर लगा दिए, पूरे बैनर है दादा के। और भाई शाहपुर में आने के लिए हमें यहाँ पे मुझे टाइम इसलिए लगा कि हम और एक जगह पे रुके थे, जो कि चाय पानी के लिए हमें रोका गया था वहाँ पे, मैं तो वहाँ पे ब्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। अब शाहपुर से बाहर निकल चुके हैं, शाहपुर जो सिटी है उस सिटी से हम बाहर निकल चुके हैं। और यार लोगों की भीड़ जो है ना इतनी बढ़ गई है कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता यार। उस लोकेशन में अभी जस्ट हम 10 मिनट में पहुंच जाएंगे। सो गाइस यहाँ पे के लोग है ना यार काफ़ी लगाव है इनका, और काफ़ी लोग समझदार हैं और समझा बुझा कर इनको हर चीज़ के लिए जिद कर रहे हैं, सर आप खाना खा के जाइए, चाय पी कर जाइए, नाश्ता करके जाइए, ऐसी जिद पकड़ी हुई है ये, खाली पेट किसी को नहीं जाने दे रहे और खाली हाथ किसी को नहीं जाने दे रहे हैं भाई। इतना प्यार है इन लोगों का क्या ही बताया, बहुत भारी लग रहा है आज मुझे और काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्राउड फील हो रहा है यार, मैं एक महाराष्ट्र का बंदा हूँ, नसीब लगता है और किस्मत की बात है कि मैं आज महाराष्ट्र में हूँ। और महाराष्ट्र में का जो मुझे कर्ज चुकाने का मौका आज मिला है, और आज हम हर तरफ से जितना हो सके उतना उस विराट सभा में जितना हो सके उतना कार्य करेंगे वहाँ पे जाकर। गाइज अब हम लग चुके हैं छत्रपति संभाजीनगर की जो रास्ता है ना, छत्रपति संभाजीनगर सोलापुर पुणे जाने वाला, उसी रास्ते से अभी जा रहे हैं, जो कि जहाँ सभा होने वाली है ना वहाँ पे जा रहे हैं। तो यहाँ से अभी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास हम आ चुके हैं। और भाई देख लो पूरी तरह से झंडे वंडे सब कुछ लगा दिए, आगे देख लो भाई पब्लिक, इतनी पब्लिक है आगे कि मैं कुछ भी नहीं बता सकता। और यहाँ पे देख लो भाई, यहाँ पे मेरे ख्याल से पार्किंग का यार्ड बना हुआ है इसके पलर, जो कि पार्किंग यार्ड है यहाँ पे। और भाई देख लो गाइज, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कहाँ पे है कुछ नहीं। और यहाँ पे मेरे ख्याल से स्वयंसेवक है और यही से अब पार्किंग होने वाली है, और पार्किंग से होते हुए है ना अब यहाँ से डायरेक्टली उस जहाँ पे सभा होने वाली है ना उस जगह पे हम जाएंगे डायरेक्टली, और यहाँ से अभी डायरेक्टली वहीं पे जाएंगे। देख लो भाई भीड़ कितनी है और कितने लोग आ चुके हैं, तो अब मेरे ख्याल से है ना काफ़ी लोग आ चुके हैं आगे, तो देख लो भाई कितनी सभा होने वाली है ना। चलो देख लो भाई, फाइनली हम जहाँ पे सभा होने वाली है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और काफ़ी लेट हो गए हैं। और अभी जो मैनेजमेंट है यहाँ पे अभी देख सकते हो
जो मैनेजमेंट के सभा होने वाली है यहाँ पे होने वाली है। और आप बैनरबाजी देख सकते हो, यहाँ पे पूरी बैनरबाजी हो चुकी है। हमें एंट्री नहीं दी जा रही थी अंदर, बट हमने कह दिया कि यार मीडिया वाले है, और बात हो चुकी है हमारी तारक भाई से, जो यहाँ पे तारक भाई भी मैनेजमेंट के लिए है ना, उनसे बात हो चुकी है। अभी हम जाएंगे उस कैंडल के पास और ड्रोन सेटअप कर लेंगे फटाफट से और देखेंगे। ये देख लो भाई, विराट सभा। सो गाइस फाइनली आज का व्लॉग यहीं पे एंड करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ड्रोन फ्लाई करना है, इसलिए मुझे काफी टाइम लगाना है, तो यहाँ पे काफी भीड़ भी होने वाली है। अभी जस्ट हम पहुंच चुके हैं। आई होप यू आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। व्लॉग पसंद आया तो व्लॉग को लाइक शेयर, एंड चैनल को नया है तो चैनल पे सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, टेक केयर, बाय।